हरियाणा के करनाल में इन दिनों बंदरों ने खूब उत्पात मचाया है। लोगों में बंदरों का खौफ ऐसा छाया है कि वे अब करनाल को मंकी सिटी बुलाने लगे हैं। करनाल के पॉर्श एरिया तक में घुसपैठ कर चुके बंदरों से कई लोग घायल हो चुके हैं। करनाल सीएम सिटी में बंदरों का खौफ इस कदर लोगों के सर पर सवार है कि अब लोगों को अपना काम काज छोड़कर घर के सामान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। कभी कॉलोनियों में आतंक मचाने वाले इन बंदरों ने सेक्टर से लेकर पॉर्श एरिया तक घुसपैठ कर ली है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में बच्चे तो क्या, बड़े भी इनके डर से घरों में बंद होने को मजबूर हैं। कभी गलती से अगर घर का दरवाजा खुला मिल जाए तो इनका दूसरा रूप सामने आ जाता है और ये घर में रखे सामान, यहाँ तक कि फ्रिज तक खोलकर खाने पीने तक के सामान को चट कर जाते हैं। बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो भी ठीक था, लेकिन इन बंदरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये मौका देखते ही बच्चों और महिलाओं को काटने में देर नहीं करते। यही कारण है कि बंदरों से घायल लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है। कपड़े सूख रहे हो तो बंदर कपड़े बच्चों के कपड़े उतार के ले जाते हैं। बच्चे बाहर अकेले नहीं निकल पा रहे, सेफ नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे घर के अंदर तक घुसाते हैं बंदर। प्रशासन से यही कहीं रिक्वेस्ट है कि इनका कुछ कीजिए, बहुत परेशान कर रखा है बंदरों ने। दिन में सुबह स्कूल जाते टाइम भी, बाहर गली में भी जैसे कुत्ते घूमते हैं, हमारे यहाँ बंदर घूम रहे हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये बंदर केवल शहर के अंदर बस्तियों तक ही सीमित थे, लेकिन अब पॉर्श एरिया में भी इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है और दिन रात हुड़दंग बाजी करते रहते हैं, जिसके कारण लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि ये बंदर इतने बेखौफ हैं कि घरों तक में रखे सामान को निकालकर चट कर जाते हैं। लोग प्रशासन और वन विभाग से इन बंदरों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। करनाल से कमल मिड्डा के साथ मनोज राठी, नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।